फूड ब्लॉगर्स ऐसे करते हैं ना, वाह क्या बात है, ओहो हो 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 हो, हाँ, अरे वाह 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 वाह, इतना सारा सूजी, चो चो गंदा गया पनीर, इतनी सारी चीज़ डाल दिया मैंने, सोच ही नहीं सकता कोई। हेलो व्हाट्स अप फैम, क्या हाल चाल, इट्स योर बॉय जेरी, कितना कैंट हो सारे, सो बैक अगेन विद न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। सो आई होप आप गाइस सारे के सारे सही होंगे, मस्त सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ी लेट आई हैं बट आ गई हैं, एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। और ऐसे इधर जफर बैठा जो पूरी रात मतलब एक किस्म की मेरी बॉडी स्मेल एंजॉय करता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी हरकत कितनी अच्छी लगी मुझे, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। यहाँ पे सोते हैं ये दोनों, वो वैसे एडिशनल रख रखा है जिसने रात को सोना, तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे सोते हैं ये कुकी और जफर, इसी पे ही सो जाते हैं। बट जफर ना, मैंने ना कल एक्चुअली ना यहाँ पे अपने कपड़े गिर दिए पुराने, तो जफर ना इनके ऊपर सोया भाई साहब लिटरली रात को भी, जैसे मतलब होता है ना कि भाई असेंस आती रहती है कि हाँ भाई मैं पास हूँ लाइक दैट। इतना प्यार यार, इतना प्यार तो मेरे को, मैं नहीं हूँ यार इतने प्यार के लायक, है मैं बच्चा, मैं इतने प्यार के लायक थोड़ी हूँ, तो बहुत बढ़िया बंदा है। यहाँ पे ब्लॉग एडिट हो रहा है, ये आप लोग कल देख चुके होंगे, क्योंकि और मैं इकट्ठे ही सो गए थे, कल नहीं पता नहीं कब देख चुके होंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, हम बेड पे ही सो गए थे उधर दूसरे वाले कमरे में, ठीक है। सो अब निकलते हैं हम बाहर, और सबसे पहले हम प्रस्थान करते हैं। ये देखो तुम देख सकते हो गाइज, फटाफट इन्होंने किचन साफ करी है, फटाफट इनको अंदर से आवाज़ आती है ना किदा कैंठो सारे, ये रोबोट बन जाते हैं ना गुनो, सच्चाई है ना। अच्छा अंदर से आवाज आई, मम्मी ने इसको बोला जल्दी साफ कर, कैमरा ऑन कर लिया इसने, ये देखो हंस रही है, मैं जानता हूँ रे, क्या बात है, ये क्या बन रहा है मम्मी, ये क्या हुआ, ठीक हो मम्मी, बुखार तो नहीं है, है? ऐसे पकवान तो आप अपने पति को देते हो सिर्फ, भाई साहब क्या ही बात है, ओहो आशिमा कैसा लग रहा है, ये मम्मी हमारी है, है? हमारी लग रहे कह रही हमारी लग रहे भाई, यहाँ पे पनीर चिल्ला बना के खवा रही है मम्मी, क्या बात है, दैट्स ग्रेट, इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, तंदूरिया मोम, नहीं मास्टर शेफ मोम, मास्टर शेफ। एक्चुअली मैं नहाने का प्लान तो था, ब्रश तो कर लिया मैंने, प्लान नहीं था करना आज, वो एपिसोड पंच में नहाने, अच्छा नहाना पड़ेगा, नहा लेंगे, क्योंकि यार वरना रीजन पता क्या था, हमारा गीजर खराब हो गया ना मम्मी, तो हम पानी गर्म कर लेते गैस, पता कैसे गर्म कर, यहाँ पे एक पतीला यहाँ ऐसे गर्म करेंगे, तो पहले चिला एंजॉय करते हैं गाइस, चिला जस्ट चिल चिल जस्ट नहीं 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 भाई, यहाँ देखो बहस हो रही है, पहले चिल्ला मैं खाऊंगा, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भी लगी है, मैंने पहले मम्मी, पहले बड़ों की होती है ना रिस्पेक्ट हमेशा, पहले बड़ों की, ओए होए ये देखो गाइस मम्मी डोसे वाली बन गई है हमारी, यो गाइस यो सिमी डोसा सेंटर अच्छा ऐसे घेरा, ओए होए 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 होए, फूड ब्लॉगर्स ऐसे करते हैं ना, वाह क्या बात है, ओहो हो 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 हो, हाँ अरे वाह 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 वाह, इतना सारा सूजी ऐसे करते हैं ना फूड ब्लॉगर्स, फिर अरे भाई साहब फुल फैट पनीर, अरे बाप रे एक चम्मच तेल बटर, अरे भैया ने तो टिक्की तरा दी भाई, वैसी हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई देख रहा हो फूड ब्लॉगर यार बुरा ना मानना, हंसी मजाक चलता रहता है, ओए होए होए धुआं आ रहा आंटी जी धुआं क्या ही बात है, आप देख सकते हो इसके अंदर पनीर है, नहीं वो खुद तो बोलते नहीं, इसके अंदर भैया वैसे है क्या ऐसे बोलते है ना, पनीर है, प्याज है, शिमला है, कड़ी पत्ता है, हाँ मैं वही कहूँ, ये हरा हरा शिमला मिर्ची होती थी, मम्मी खिलाती थी, हम डस्टबिन में फेंक देते थे स्कूल में, ओ भाई साहब चिपका नहीं देखो फूड ब्लॉगर ऐसे करते हैं
साइज देखो, इतनी सारी मेयोनीज जो, ओ भाई साहब कातिल कर दिया कातिल एक है ऐसे करता कातिल कर दिया कातिल। आज से मम्मी का बस मैंने सोच लिया, मम्मी को जल्दी से एक बिजनेस स्टार्ट करके देना हमने, आशी मैं पैसे जोड़ रेडी खरीदनी है। सो इतनी तगड़ी फूड व्लॉगिंग के बाद फाइनली अपना ये भी आ गया, थोड़ा सा सड़ गया यार फूड व्लॉगिंग के चक्कर में। और इधर अपनी बेस्ट एंड बेस्ट कॉफी आ गई, और ये हेटर्स के लिए फर्नेल पी लो गाइस। ये ना सेकंड आ गया, देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, करना जरा क्या कर रहे थे। हाँ। क्या था तुम्हारा अभी जो तुम लग रहे थे दोनों, वो चली गई करो क्या था। ओ, ना 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 वो पंजाबी लाइन पनीर वाली अभी जो बोली थी। चो पैंदा पे पनीर इतनी सारी चीज डाल दिया ना मम्मी ने, सोच ही नहीं सकता कोई। मम्मी मेरी प्लेट में रख के गई है, मतलब ना तवा ले आई मम्मी अंदर कमरे में, और ना वो उतार के चिल्ला मेरे बेड पे रख दिया। तो आशिमा कह रही हाँ ये देखो कितना पनीर भर रखा है इसमें, मेरे में नहीं भर रखा। मम्मी कह रही खाली उतार के करी, ओ देखो करी एक बारी कर रही थी, करी एक बारी कर था, दादी का नहीं कर रही जान गए। मम्मी कहती हाँ हाँ देखो देखो चो पैंदा पे पनीर चो दादी तो बेचारी तंग हो रखी हमसे सारों से। दादी पता क्या बोल, कुछ करन लगो जिथे जाओ जिथे आओ कुछ करो, तेरा कैमरा ऑन हो जाता है। हूँ घर जीना भी आसान नहीं रह गया, पीना आसान है जीना नहीं, इस करके पियो दूध। इसके बीच में ना अगर हम मुजरेला डाल लेते हैं। ओह गाइस इतनी सारी चीज। सो यार फिलहाल एडिटिंग भी होगी थी कंप्लीट, और ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, तो आज दोपहर को कड़ी चावल बनने का प्लान है। तो मम्मी ने बोल दिया कि भाई कड़ी चावल बनाने हैं तो लस्सी लेके आओ। सो फिलहाल स्कूटी पे खड़ा हूँ, और फिलहाल अपनी प्लानिंग है लस्सी लेके आने की चाची जी के घर से। सो फिलहाल चलते हैं। ओ गड्डी का मालिक बन गया है। लो गाइस पनीर चिल्ला के बाद आज हमारी मम्मी हमें कड़ी चावल खिला रही है। फूड व्लॉगिंग गाइस लस्सी इतना मक्खन। मम्मी दस रही है सुबह की चो पैंदा पे है मक्खन वीर जी चो इतनी सारी हल्दी। ओ गाइस पानी आ गया देखो चावलों में, मुंह में नहीं। सो ये देखो हाजी माँ तो फोटो क्लिक कर रही है, मैंने कहा था ना ये इंसानों की तरह सोती है, ये देखो पकड़ी गई आज तू। सो इंसानों की तरह सो, दोबारा से पकड़ा गया मेरा बिल्लू बच्चा। बेचारी नींद में। कोई ना मैं बेटा सो जा मेरे बच्चा सो जा, ठंड लग रही होगी चादर दे दो, चल सो जा सोने देते हैं भाई। ये हमारा इंसान ही है, ये डॉगी नहीं है, सो जा। ये ऐसी सोती है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम फेस ऊपर होता है ऐसे सीधी सोती है, डॉग्स की तरह ऐसे नहीं। सो जा। सो भाई मैं मस्त कड़ी चावल खा के ना गजब की नींद आई और मैं सो गया था। सो और मैं अभी उठाऊँ और मैं उठ गया हूँ, यस आई एम अवेक। और फिलहाल ये दोनों भी देखो अंगड़ाई ले रही है आपके सामने है, ये दोनों में यही सो रहे थे, ये भी उठ गए हैं, अंगड़ाइयाँ चल रही हैं। कुकी खाना नहीं खा रही अच्छे से, थोड़ी सी ना कुकी की सेवा लगाता हूँ यार मैं, पर्सनल लेवल पे इसको खिलाते हैं। कुकी चल आज तुझे भूखी बनाते हैं, भूखी। खाना क्यों नहीं खा रहा मेरा बच्चा, खाना खिला देते हैं मेरे मशरूम कटिंग वाला पीला। सो यहाँ है हमारी फीड और यहाँ हमारी बिस्किट, और इसको खोलो तो अंदर है सारा का सारा इनका तामझाम। कुकी क्या खाना पसंद करोगे आप, पहले तो हम फ्लैश लाइट ऑन कर दे कुकी फोन की, फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं हो रही होगी। अब इसमें से कुकी को हम देते हैं, क्या देते हैं कुकी को, देते हैं वी लकी बॉन्स, कुकी ये खाएगी। फिर कुकी को ना खाना खिलाने की कोशिश करेंगे टेस्टी हाथों से। ये चल गया कुकी का नाक चल गया। खाना नहीं खाती मम्मी है ना, इसे फीड पसंद नहीं है।
रोटी भी नहीं खा रही, ये कहती है मेरे को भी कड़ी चावल खिलाओ। कल उसने मलाई लगाई थी, रोटी वो खाई है कुछ छोटी छोटी करके। दांत नहीं आए ना इसके, चक्कर ये ट्रीट को तो ऐसे लेके बैठ दिया ना। देखो इसके नीचे छोड़ूंगा ना अपने कमरे में, भागेगी ट्रीट लेके। ये देखो तुम्हें चोरों वाले ट्रेट्स दिखाते हैं इसके। मटकती मटकती ना ये अपने कमरे में जाएगी सबको छोड़ के। आज नहीं जा रही है ना, जाएगी चुपचाप जाएगी जब सबका ध्यान इधर उधर रहेगा। अभी देखना ओ गई, इसने देख लिया जफर यहाँ। जफर ने इसकी फीड खा लेता है हमेशा, या इसकी ट्रीट्स अपनी खाने के बाद। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अभी फटाफट बेड पे चढ़ेगी अपने छलांग मार के। अब यहाँ पे खाएगा मेरा बिल्लू अपनी ट्रीट चुपचाप। मिशन पास। ये देखो यहाँ पे हम बैठे थे, यहाँ पे बातें मार रहे हैं। अरे यहाँ बैठा, ये देखो ये अपने आप वहां चढ़ के बैठ गया। तू नहीं, तू कोई मॉन्यूमेंट है, स्टैचू है तू, है? आ जा मेरा बिल्लू, आ जा। ये ना इतनी सियानी हो गई है, इसको पोटी आती है ना ऐसे जाएगी डर ऊपर जाएगा टप टप। आ जा कुकी, आ जा गधी, यहीं से ना छलांग मार दे। आ जा कुकी, ये ले कुकी, ये ले कुकी। वो देखो मचल गई। अच्छा गुलाब खा रही हूँ, चबा गई एक तो। मेरी गुलाब दीन की आले बिल्लू मेरे पिल्ले। हेलो हेलो कुकी, हेलो कुकी, हेलो। सो भाई अभी मनीष भाई आया था और घर वालों को थोड़ा सा अपने से खुद से रिलैक्स दिया हमने। तो इधर मनीष बैठा है फिलहाल, और अभी हम अपने शहर की एक छोटी सी गेड़ी मार रहे हैं। ये जब से हमारा कॉलेज खत्म हुआ ना, हम दोनों इकट्ठे एक रिफ्रेशमेंट टाइम निकालते हैं घूमने के लिए, वो भी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, बस बाकी पूरा दिन हम मेहनत करते हैं। तुम्हें पता ही हम कितने मेहनती हैं, यू नो डेली व्लॉग करना आसान नहीं है और बिजनेस संभालना भी आसान नहीं है। मनीष भाई का बिजनेस है, तुम्हारे भाई का डेली व्लॉग है, पर तुम्हारे भाई का तो दो दो है, बिजनेस भी है डेली व्लॉग है। वन मैन आर्मी, यो मैन, हैशटैग वन मैन आर्मी। ये देखो क्या शाम का टाइम है, ये देखो ये देखो मस्त। हम अपने लाडवे के गिड़ी रूट हम पता किसे कहते हैं, खुली सड़क पे चले जाते हैं गांव वाले। क्या मनी जाना ही बकाली है, बकाली जाना, बकाली जाना। ओके ये सामान दे के आना, पीछे पड़ा एक में गांजा एक में कोकेन है। मैंगो कोकेन और एप्पल गांजा, भाई का फ्रूट्स का बहुत अच्छा बिजनेस है। सो फिलहाल अब गाँव में जा रहे हैं देने। नवी स्विफ्ट तो ना ऐसी सी दिखती है, वो नहीं आती जैसे कौन सी है उसकी, मिनी कूपर की कॉपी सी बना दी नवी स्विफ्ट तो है ना, बस थोड़ी बड़ी कर दिया। तो देना क्या मस्त हवा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मस्त है, पर ये ठंडी ठंडी हवाएं ना आपको नोजी वाला बना सकती हैं ऐसे करने वाला, इसलिए गाड़ी में बैठ के जाओ। तो यार ये है देखो तुम्हारे भाई का कॉलेज हो गया, किसी दिन फुर्सत में आके दिखाएंगे, फिलहाल सामान दे दिया जहाँ देना था और अब जा रहे हैं घर पे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अंधेरा हो गया, अब घर पे जाने लग रहे हैं बस। सो यार रात हो चुकी है, रोटी खाने का अपना मन नहीं है। सो अभी मैं अपना दूध गर्म कर रहा हूँ और साथ में बिस्किट्स ले लूँगा। सो यही था आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो हमारा ये फूड व्लॉगर स्टाइल में वो खप पाना और क्या, यही था तो मेन तो है। सो अगर अच्छा लगा यार व्लॉग व्हाटएवर रीजन तो उसको लाइक कर देना, जो चीज अच्छी लगी उसको कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हां गाइस आप देख रहे हो उबाला आ गया, उबाला गाइस। भैया जी ये कैसे आया उबाला, ऐसे कैसे ले आया उबाला? गैस पे रख के उबाला लाया है, गैस पे रख के उबाला। ओ गाइस ये देखो बाहर आ रहा है, ओ जल्दी गाइस जल्दी।